क्या हो गया बंसी, क्या हो गया है तुम्हें? इस लड़की पर से नजर क्यों नहीं हटा पा रहे हो तुम? खुद को संभालो बंसी, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? ये गलत है, तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा बंसी, गलत है ये सब। इस खूबसूरत परी को अब नहीं देखोगे तुम, नहीं देखोगे, तुम्हें काबू रखना होगा खुद पर। दूर हटो, करीब मत आना मेरे। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए मेरी, इत्मीनान रखिए, आप महफूज जगह पर हैं, यकीन करें आपको कुछ नहीं होगा यहाँ। चलो बात करते हैं, बात करते हैं। आप मुझे जंगल में मिली थी, या शायद ढूंढती हुई मेरे पास आई। आप जख्मी थी, मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। अच्छा हुआ कि यहाँ ले आया। तुमने हम पर हमला किया, तेमितरस को बीमार डाला, कातिल हो तुम लोग, अब क्या चाहिए तुम्हें? ये आप क्या कह रही है खातून? कौन कातिल, कौन तेमितरस, किसकी बात कर रही है आप? ऐसे ही लिबास था उनका भी, वो सब तुम्हारे आदमी थे, झूठ बोल रहे हो तुम। हम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी बात सुनिए, जैसा आप सोच रही हैं, हम बिल्कुल वैसे नहीं हैं। कातिल! हेलेना, हेलेना, पहले सुकून के साथ हमारी बात सुन लें आप। आपकी और हमारी पुश्त में खंजर घोंपा गया है बेटी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही आपकी बात। काई सिपाहियों का भेष बदलकर आपके कारवान पर हमला किया गया, ताकि इसका इल्जाम काई कबीले पर आ जाए। आपके बाबा ने हमें दुश्मन समझकर अर्तुरुल साहब को यरगमाल बना लिया है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आपको जिंदा सलामत हमारे पास भेज दिया। अब हम जल्द से जल्द आपको आपके बाबा के पास भिजवा देंगे इंशाल्लाह। मैं कैसे एतबार कर लूं आप पर? मुझे क्या मालूम कि आप लोग मुझे दोबारा किसी जाल में फंसा दें। बेटी, अगर आपको मारना ही मकसूद होता तो हम मार चुके होते। हेलेना, अमन की कुंजी हो तुम। अगर तुम्हें तुम्हारे पापा के पास नहीं ले गए तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। कौन है सबके पीछे? जिसने भी किया है ये मालूम कर लेंगे हम। अब तुम ये रखो, ले लो। कल सुबह रवाना होंगे हम, रास्ते में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मोहतात रहना होगा। अब वहां रख दो इसे, अल्लाह के वास्ते खौफजदा ना हूं। यकीन करें, हम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आपको, खासकर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। बंसी तुम्हारे दरवाजे पर पहरा देगा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। अब आपको आराम करना चाहिए। आराम करें।